हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। कहानी का नाम है दोस्त की मदद। इस कहानी में यह बताया गया है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद किस प्रकार करता है। भले ही हम शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर नहीं भी हों, तब भी बुद्धि के बल से हम अपने दोस्त की सहायता कर सकते हैं। जैसे इस कहानी में लोमड़ी ने अपने दोस्त कछुए की मदद की। कहानी पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्दों को दोहराते हैं। कछुआ, कछुआ। मांद, मांद। लोमड़ी, लोमड़ी। दोस्ती, दोस्ती। गपशप, गपशप। तेंदुआ, तेंदुआ। सरपट, सरपट। छलांग, छलांग। मुँह, मुँह। दांतों, दांतों। नाखूनों, नाखूनों। सख्त, सख्त। खरोंच, खरोंच। तरकीब, तरकीब। आजमाकर, आजमाकर। अब इस कहानी में आए कुछ शब्द और अर्थ को देखते हैं। मांद, मांद मतलब गुफा। गपशप, गपशप मतलब बातें करना। सरपट, सरपट मतलब तेजी से। तरकीब, तरकीब का मतलब होता है उपाय। खोल, खोल का मतलब होता है आवरण। आजमाकर, परख कर। आजमाकर, परख कर। तो चलो अब कहानी पढ़ते हैं और साथ साथ उसका अर्थ भी देखते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। एक तालाब के पास तालाब में कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद मतलब गुफा होती है ना, उसमें लोमड़ी रहती थी। तो कछुआ और लोमड़ी में दोस्ती हो गई। वो दोनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे, तभी वहाँ से एक तेंदुआ गुजरा। दोनों अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुँच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुँच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुँच गया। दोनों जब गपशप कर रहे थे तो तेंदुआ आ गया। दोनों अपना जान बचाकर अपने अपने घर की ओर भागे। लोमड़ी तो दौड़ने में तेज थी, वो दौड़कर मांद में पहुंच गई, पर कछुआ तो धीमे चलता है, तो अपने धीमे चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुआ एक छलांग में उसको पकड़ लिया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। तेंदुए ने कछुए के मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। कछुआ को छुपने का मौका नहीं मिला। तेंदुआ उसको कछुए को मुंह में पकड़ लिया और खाने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन वो बहुत दांत और नाखून लगा के उसको खोलने की कोशिश करने लगा, पर कछुआ का जो सख्त कवच होता है, खोल होता है, उस पर खरोंच भी नहीं लगा, निशान भी नहीं आया। लोमड़ी अपने गुफा से ये सब देख रही थी। उसने कछुए को लोमड़ी अपनी मांग से ये देख रही थी उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मान से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली,
तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। लोमड़ी अपने गुफा से ये सब देख रही थी कि वो कछुए को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर वो कछुआ को खोल नहीं पा रहा है। तो वो कछुआ उसका दोस्त था, तो वो उसको बचाने की कोशिश करने के लिए एक उपाय सोची। वो अपने गुफा से झांक कर देखी और बहुत मासूमियत से बोली, तेंदुए जी, मैं आपको कछुए के खोल को तोड़ने का एक सरल तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। तो वो लोमड़ी आई और भोलेपन से बोलती है कि तेंदुए जी, मैं आपको कछुए को तोड़ने का सरल तरीका बताती हूँ। सबसे पहले इसे पानी में फेंक दो, फिर पानी में रह के उसका खोल जो है नरम हो जाएगा, आप करके देखो तो सही। तेंदुआ कहता है, ठीक है, अभी देख लेते हैं। फिर वो कछुए को पानी में फेंक दिया। कछुआ तो पानी में जा रहता ही है, बस फिर क्या था, कछुआ पानी में भाग गया। तो ये देखिए, ये इस पेज पे क्या लिखा हुआ है, अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। जो तेज भागता हो वो खरगोश की तरह भागता है, जो बहुत अच्छा तैराक हो वो मछली की तरह तैरता है। और ये आपको वचन पढ़ाया गया है ना, उसी तरह है, एक वचन और बहुवचन जैसा। एक कपड़ा तो क्या होगा, तीन कपड़े। एक रुपया, 15 रुपये। एक खंबा, 4 खंबे। एक पौधा, 8 पौधे। एक पतीला, 2 पतीले। एक संतरा, 10 संतरे। अब ये क्या है, ये लिखा है नीचे, लिखे चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी, ये दिया हुआ है। उसमें आप बताइए कौन सा चीज़ मुलायम हो जाएगी और कौन सा मुलायम नहीं होगी। कागज मुलायम हो जाएगी, लकड़ी मुलायम नहीं होगी, गिलास मुलायम नहीं होगी पानी में फेंकने पे, रोटी मुलायम हो जाएगी, बिस्किट मुलायम हो जाएगी, प्लेट मुलायम नहीं होगा, पत्ता मुलायम नहीं होगा, मोम मुलायम नहीं होगा, रुई मुलायम हो जाएगा, पापड़ पानी में फेंकने पे मुलायम हो जाएगी। एक और कहानी है बच्चों, इसी से लगती हुई एक और कहानी है। देखिए ये कितना सुंदर चित्र है, इसमें झोपड़ी बनी हुई है, पेड़ है, मोर है, लोमड़ी है, कितने ढेर सारे मोर हैं, मगरमच्छ है, कछुआ है, मछली है, कितना सुंदर चित्र है। तो इसके सामने एक कहानी लिखा हुआ है, उसमें थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है, थोड़ी आपको खुद लिखनी है। ये कहानी है मगरमच्छ की और लोमड़ी की। तो कहानी का नाम मगरमच्छ और लोमड़ी। एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक, वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों न तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतज़ार करता रहा, पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि लोमड़ी तो उस ये आगे का आपको पूरा करना है, जैसे कि आप आगे लिख सकते हैं कि लोमड़ी को उसके इरादे पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए वो नदी के दूसरे किनारे पर पानी पीकर चली गई। मगरमच्छ हाथ मलता रह गया।
तो बच्चों ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? धन्यवाद।